सर आपका नाम? फहीम आजम खान। ये कौन सा विद्यालय? सिद्रा पब्लिक स्कूल ककराला। आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तमाम देशवासियों को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम ये पर्व देश में आपसी सद्भावना और भेदभाव को मिटाएगा। भाई सर ये बीमारी चल रही है डेंगू और कोरोना, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारा देश तमाम तमाम आफात बलाइया से महफूज फरमाए और हमारे देश को आगे तरक्की अता फरमाए। मेरा नाम मोहम्मद औसाफ खान, एलके स्कूल का। मैं इसी कॉलेज फलायाम इस्लामिक इंटर कॉलेज में टीचिंग करता हूँ। उर्दू और मॉरल स्टडीज़ मेरा सब्जेक्ट है और यहाँ पर ख़ास तौर से हम बच्चों को अखलाक, किरदार, मॉरल वैल्यूज़ और सलीका तमीज़ के बारे में जो है अपग्रेड करते हैं। सर अभी ये कोरोना और ये डेंगू चल रहा है बीमारी के बारे में, इसके बारे में आप बच्चों को क्या समझाते हैं? देखिए जो बीमारी है ये इस बीमारी की असल वजह वो गंदगी है और हम ये बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि अब सिर्फ इस दौर का ही मामला नहीं बल्कि 1500 बरस पहले इस्लाम ने इस सिलसिले में बहुत अच्छी और सच्ची गाइडेंस दी है और बताया है कि कोई भी शख्स अगर मुसलमान है, ईमान वाला है, तो वह अपने ईमान को कंप्लीट ही नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक वो पाकी सफाई सुथराई का ख्याल ना रखे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मन को, जहन को, अपने विचारों को स्वच्छ बनाएं, साथ ही साथ अपने लिबास को, अपने माहौल को, जितना भी जो भी माहौल है हमारा कैंपस हो या घर हो या मोहल्ला हो, वहाँ भी गंदगी इकट्ठी ना होने दें और कहीं पर भी गंदा पानी या कीचड़ या किसी भी तरीके की गंदगी होने ना दें। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कोई यह काम ऐसा ना करें जिससे गंदगी फैले बल्कि हर वक्त सफाई का ख्याल अपने दिल में रखें और ऐसा काम करें जिससे जो भी बीमारियाँ पनप रही हैं उनकी रोकथाम हो और कोई भी ऐसी हरकत हमारे ज़रिए से ना हो जिससे दूसरों को तकलीफ। सर आपका नाम? मुस्लिम खान। कौन सा विद्यालय है ये? हिंदुस्तान मॉडल पब्लिक स्कूल ककराला बनाएंगे। सर आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहला तो ये है कि अभी एक बीमारी चल रही है डेंगू, उससे बचाव के लिए हम बच्चों को बराबर समझाते रहते हैं कि अपने घरों में आस पड़ोस में सफाई रखें जिससे मच्छर पैदा ना हो। साथ ही साथ हम स्कूल में अपने कीटनाशक का छिड़काव कराते हैं, सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखते हैं। साथ ही साथ अभी एक त्यौहार भी आने वाला है दीपावली, तो उसकी मैं तमाम बच्चों को स्कूल की तरफ से नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राजधानी से लेकर हर तहसील तक, जनता की समस्या से राजनीति तक, आपकी आवाज़।